5 तारीख में भी 2 दिन बाद है, अगर उनको लगेगा कि सब जनता उनके साथ है, क्योंकि जब सवाल लोगों ने शरद पवार से पूछा कि अब आप किस पर विश्वास करेंगे, आपकी पार्टी में कौन है, तो उन्होंने कहा शरद पवार है, अकेले काफी। पारिवारिक झगड़ा भी एक मामला है कि एनसीपी का रियल उत्तराधिकारी कौन होगा, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में प्रॉब्लम है। कल भी हम लोगों ने बात करी थी कि इस लेवल पे जंग है कि पार्टियां टूट भी जाती है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला साहब को जब आया कि उत्तराधिकारी कौन होगा, उन्होंने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो बड़े बेटे जो अजय चौटाला है और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने बगावत करके जननायक जनता पार्टी बना ली। तो अब ये तो सगे भाइयों की जब इतनी जंग हो गई, खुद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने 3 भाइयों को मतलब कि राजनीतिक रूप से शहीद करके राजनीतिक शहादत दे के उनकी अपनी सत्ता पोषी ली थी, घर में काफी जंग हुआ था। तो ये तो चचेरे भाई बहन हैं, सगे भाई बहन भी नहीं है, शरद पवार साहब के भतीजे हैं अजीत पवार, उनके बेटे तो हैं नहीं। तो ये फैमिली में जंग तो है ही, जो रीजनल पार्टियों में रेगुलर तो नजर आ रहा है परिवार में। तो बीजेपी गंगा है, उसके पास ऐसी जो है वॉशिंग मशीन है गंगा या डुबकी ऐसी है कि जो चाहे जितना बड़ा बेईमान चोर उचक्का हो राजनीति का, वो अगर बीजेपी में शामिल हो गया, बलात्कारी भी अगर बीजेपी में रहे या बीजेपी में शामिल हो जाए, तो फिर वो बलात्कारी नहीं रहता और केंद्र में मंत्री भी रहता है, चाहे हत्यारा ही क्यों ना हो। आज अगली इसलिए उठी है कि आज एक देश के मतलब देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस पूरे जो इंजीनियरिंग हुई है तोड़फोड़ की, इंजीनियरिंग के जो मेन सुपर माइंड है वो है गौतम अदानी साहब, और कहा जा रहा है कि वही शरद पवार से पीछे मीटिंग भी उनकी हुई थी और इस इंजीनियरिंग में उनकी सहमति भी है, क्योंकि ये उसके पीछे एक तरकीब दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से गाइडलाइंस दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से स्पीकर को विधायकों को जो शिवसेना से टूटे हुए विधायकों को लेकर जो मतलब कि एक फैसला करना है उनकी सदस्यता को लेकर दल बदल को लेकर, तो उसके कारण ये संभावना पूरी जताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे की सरकार अस्थायी नहीं रहेगी। तो वैसे में इन विधायकों को जो एनसीपी के जो विधायक हैं उनको तोड़कर एक सरकार चलाने का एक अस्थायी इंतजाम किया गया है। इज एवरीथिंग फेयर इन लव वॉर एंड पॉलिटिक्स, क्या इश्क जंग और राजनीति में सब कुछ जायज? महाराष्ट्र पॉलिटिक्स विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है, इवेंटफुल होता जा रहा है। 4 साल में 4 बार शपथ ग्रहण समारोह, शिवसेना टूटी, शिंदे सीएम बने, और अब जो है एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी टूटी है और भतीजा डिप्टी सीएम बने हैं 9 मंत्रियों के साथ। इस बार महाभारत जो है चाचा और भतीजा के बीच में, इस महाभारत के रचयिता क्या भाजपा है और अडानी है, या महाभारत के रचयिता जैसा कि कुछ पत्रकारों का कहना है कि स्वयं पार्टी चीफ शरद पवार हैं, ये भी चर्चा है। उधर आज मध्य प्रदेश के सतारा में शरद पवार का भाषण हुआ, जबरदस्त रैली हुई है और कहा है कि सीधे जनता के बीच जाएंगे। भतीजे अजीत पवार पार्टी पे अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं कि एनसीपी पर उनका अब कब्जा होगा। तमाम ये मसले हैं। इस बीच जो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई राज्यों में जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ हुई है, उससे लगता है कि शायद इस कानून का मजाक भी बन गया है और इस पर एक विशद बेहद जरूरी चर्चा होना बेहद जरूरी है। 2 खास मेहमान है, जेपी सिंह साहब है, संजीव पांडे साहब है, लगातार आप सुन रहे हैं अंबेडकर नामा पर, पूरे आज अपडेट के साथ इस एपिसोड में मौजूद है। सीधे चलते हैं अपने दोनों गेस्ट मेहमानों के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। जेपी सर, आप ही से शुरुआत करते हैं पहले। नहीं नहीं सर, पांडे जी से शुरुआत कीजिए। चलिए पांडे साहब, आप ही बोलिए। देखिए, अब जो है शरद पवार साहब ने आज रैली करी है, मैदान में जाएंगे। सवाल तो ये है कि लंबे समय से अजीत पवार साहब का बीजेपी से तालमेल की बात चल रही थी। 2019 में भी उन्होंने एक बार पार्टी को गच्चा दिया था और डिप्टी सीएम जाके बनाए थे, तो उस समय भी शरद पवार पे उंगली उठी थी।
आज अगली इसलिए उठी है कि आज एक देश के मतलब देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस पूरे जो इंजीनियरिंग हुई है तोड़फोड़ की इंजीनियरिंग के जो मेन सुपर माइंड है वो है गौतम अदानी साहब, और कहा जा रहा है कि वही शरद पवार से पीछे मीटिंग भी हुई उनकी हुई थी और इस इंजीनियरिंग में उनकी सहमति भी है, क्योंकि ये उसके पीछे एक तरकीब दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से गाइडलाइंस दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से स्पीकर को विधायकों को जो शिवसेना से टूटे हुए विधायकों को लेकर जो मतलब कि एक फैसला करना है उनकी सदस्यता को लेकर दल बदल को लेकर, तो उसके कारण ये संभावना पूरी जताई जा रही है कि एक नाथ शिंदे की सरकार अस्थायी नहीं रहेगी। तो वैसे में इन विधायकों को जो एनसीपी के जो विधायक हैं उनको तोड़कर एक सरकार चलाने का एक अस्थायी इंतजाम किया गया है, और किसी तरह से चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव निपट जाए क्योंकि उसी समय शायद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद शायद होने हैं या उसी टाइम होने या उसके बाद होने हैं, तो ये सारी परिस्थितियों में गौतम अदानी साहब 6 महीने बाद तो गौतम अदानी साहब की जो भूमिका पे एक बड़ा अहम सवाल उठा है, और चूंकि शरद पवार साहब ने गौतम अदानी साहब को पीछे प्रोटेक्ट किया था, और एक सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 4-5 दिन पहले ही कहा था कि ये तो भ्रष्ट लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मैं किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा, और देखिए कि कमाल की बात है कि वैसे 4 लोगों को उन्होंने मंत्री बना दिया, जो एनसीपी जो मोस्ट करप्ट पार्टी जो थी, जो प्रधानमंत्री 4 दिन पहले कह रहे थे कि बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, उसके 4 करप्ट लोगों को प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने वहां पे मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाई है। चारों पे जो 4 मंत्री जो भी जो 8 में से जो 4 हैं उसमें बड़े गंभीर आरोप हैं। छगन भुजबल पे आरोप है कि दिल्ली में जो महाराष्ट्र भवन जो महाराष्ट्र सदन बना है उसके टेंडर में उनके ऊपर घोटाला का आरोप है। उस समय वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर होते थे 2014 के आसपास, उस समय ये उन्होंने उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा था। उसी ढंग से उन्होंने एक और कोई मालाबार हिल्स में पीडब्ल्यूडी के अंदर जो गेस्ट हाउस बनाया गया था उसमें भी घोटाले का आरोप था। एक उसी तरह से महाराष्ट्र में एक बस स्टैंड बनाने का घोटाले का आरोप था, उसमें भी टेंडर में घोटाला था। तो इसी बीच मनी लॉन्ड्रिंग के भी उन पे आरोप लगे और ईडी भी आ गई। उसी ढंग से अजीत पवार साहब के पास एक विदर्भ में एरिगेशन का डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम था, उसमें 1000 करोड़ का कह रहे घोटाले का आरोप उनके ऊपर है जब वो सिंचाई मंत्री थे। और इसी तरह से वो कोई बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में और एक शुगर के रिलेटेड मिल में भी उनके ऊपर घोटाले का आरोप थे। और ये सारे घोटाले के जांच कंटिन्यूटी में है, इसमें स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईडी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। कभी क्लीन चिट अजीत पवार साहब ने पीछे ले लिया था एक मामले में, लेकिन ईडी ने और एसीपी ने जैसे ही अभी एकनाथ शिंदे की सरकार बदली थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं इसको हमने री इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये सारे जो गतिविधियां चल रही थी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके 1000 करोड़ अरबों रुपए के घोटालों के जो तमाम मामलों की जांच जारी है, उसके बावजूद एकाएक जो प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को भ्रष्टों को एकदम छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ जिनके खिलाफ गंभीर जांच हो रहा था उनको बुलाकर मंत्री बना दिया गया। एक जो मुस्लिम एकमात्र जो मुस्लिम मंत्री एनसीपी से बने हैं एनसीपी कोटे से, उनका नाम है हसन है, उनके ऊपर भी एक शुगर मिल का बहुत बड़े घोटाले का आरोप है, इंक्वायरी चल रही है, हाई कोर्ट से उन्होंने अपने अरेस्टिंग का स्टे लिया है। और एक और कोई मंत्री है जिनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है जो कल जो जो जिन्होंने एनसीपी तोड़ा है। तो 4 भ्रष्ट महाभ्रष्ट जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप है और जिनके खिलाफ जांच ऑन गोइंग है, ईडी की भी मनी लॉन्ड्रिंग का और एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट का, दोनों के जांच के बावजूद दोनों को बड़ा सुशोभित किया है। तो ये मतलब कि बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि इसमें क्या वाकई में कॉर्पोरेट सेक्टर या अदानी की भूमिका है। जेपी सर, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको दबोच कर अपने साथ ले आएंगे। देखिए सर, बीजेपी राजनीतिक गंगा है। दुनिया भर के प्रदूषण के बावजूद गंगा में लोग डुबकी लगाने, आचमन लेने, गंगा जल घर पर ले आके हमेशा पूजा में उसका इस्तेमाल करने में हिंदू जनता पीछे नहीं है। ये सब कागज की बातें हैं। कितना प्रदूषण बढ़ गया तो आचमन लायक नहीं है, तो नहाने लायक नहीं है। तो बीजेपी गंगा है, उसके पास ऐसी जो है वॉशिंग मशीन है गंगा या डुबकी ऐसी है कि जो चाहे जितना बड़ा बेईमान चोर उचक्का हो राजनीति का,
वो अगर बीजेपी में शामिल हो गया, बलात्कारी भी अगर बीजेपी में रहे या बीजेपी में शामिल हो जाए, तो फिर वो बलात्कारी नहीं रहता, वो केंद्र में मंत्री भी रहता है, चाहे हत्यारा ही क्यों ना हो। अब शरद पवार ने अजीत पवार के कदम को बताया कि ये राजनीतिक डकैती है, वो अपने बल पर जो है उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की होती है, उसको जिसके साथ मिलाते ये पार्टी में जो तोड़ फोड़ करके वो गए, तो ये राजनीतिक डकैती है। और एनसीपी में फूट का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को है। यही नहीं, शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने इतनी तल्ख टिप्पणी की कि अगर प्रधानमंत्री जी सुने तो उनको सोचता शीशे में अपना मुंह देखने में शर्म आए। उन्होंने कहा कि मैं इसका सारा श्रेय पीएम मोदी को देना चाहता हूं। आज ये साबित हो गया कि पीएम मोदी ने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। उनके एनडीए सरकार में शामिल होने से अब स्पष्ट है कि जितने दागी शामिल हुए हैं, मंत्री बने, वो सभी आरोप मुक्त हो गए हैं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने जो है अपने में शामिल करके उनको आरोप मुक्त कर दिया। अब ये बताइए उन्होंने कितना तीखा जो है उन्होंने किया। अच्छा, फिर आप एक बात और देखिए, पहले अगर राजनीति में बेमेल गठबंधन होकर के सरकारें बनती थी तो सीधे सीधे उनकी कितनी तीखी आलोचना होती थी, बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक वर्ग सभी उसकी तीखी आलोचना करते थे। लेकिन जिस तरह रातों रात धर्म निरपेक्ष लोग सांप्रदायिक हो जा रहे हैं, सांप्रदायिक लोग धर्म निरपेक्ष हो जा रहे हैं, उससे अब गठबंधन के बेमेल गठबंधन की अवधारणा पूरी तरह बदल गई है। अब केर बेर का संग हो गया है, केर और बेर एक साथ एक गठबंधन में, वो धर्म निरपेक्ष, वो सांप्रदायिक। अच्छा, और एक बात और अब और स्पष्ट हो गई है कि भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति में न केवल सिद्धस्त है, बल्कि तोड़फोड़ की राजनीति उसका परम धर्म बन गया है। भाजपा अपने कैडर के बल पर सरकार नहीं चलाना चाहती, भाजपा कर्नाटक से और मध्य प्रदेश से सीखना भी नहीं चाहती। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ करके और जो है सरकार बनी भाजपा की, और आज जो है मध्य प्रदेश की भ्रष्टतम सरकारों में जो है उसका शुमार हो रहा है, शिवराज सिंह सरकार का। और जो वहां के पब्लिक का मूड है, अभी ईवीएम अगर नहीं चला तो वहां पब्लिक के मूड में वहां की सरकार जा रही है, इससे सबक नहीं लिया इन्होंने। दूसरी बात, कर्नाटक में इन्होंने सबक नहीं लिया, कर्नाटक में भी कांग्रेसियों को तोड़ करके इन्होंने उनको पैसे दे करके, फिर टिकट दे करके, फिर मंत्री बना करके अपनी सरकार बनाई और सीधे सीधे 40% के कमीशन का आरोप लगा। 40% का कमीशन तो सीधे सीधे सरकार में बैठे लोगों को, और बाकी इंजीनियरों को अलग, अपना प्रॉफिट अलग, कुल मिला के 30-35% में जो काम है कराइए, 65% रुपया साइफान आप हो जा रहा है। वहां जिस तरह जो है लोग गद्दार गए थे ये, उस तरह इनकी सरकार जो बड़ी बैडली हारी है, और लोकसभा में भी इनका जो है चुनाव में उल्टी गिनती चल रही है, उससे भी सबक नहीं लिया इन्होंने। और फिर इन्होंने महाराष्ट्र में ये कर दिया, और तो और चार जो भयानक दागी थे जिनको ये किसी भी कीमत पर दंडित करने पर आमादा थे, अब वो इनके सरकार में, इनके अजीत देवेंद्र फडणवीस साहब मंत्री बन गए हैं, अब मतलब इनके वॉशिंग मशीन में या इनकी राजनीतिक गंगा में वो नहा करके पवित्र होके शुभेंदु अधिकारी की तरह बाहर निकले हैं। और भी जो लोग इनके यहाँ शामिल हैं, अजय कुमार मिश्रा टेनी की तरह, वो लोग जो ब्रजभूषण सिंह की तरह, वो लोग भी निकल करके गंगा में, पवित्रा नाम है, नदी नाला और वो सीवर लाइन नहीं रह गए हैं, अब वो सीधे सीधे पवित्र गंगा में नहा करके जो है वो पवित्रा नाम हो गए हैं। तो ये जो निकले हैं, अब ये सरकार और जितने दिन भी अगर चलेगी, अगर चलती है तो क्यों, क्योंकि शरद पवार ने बिना देर किए अपने जो पार्टी अध्यक्ष है महाराष्ट्र के जयंत पाटिल, उनको लगा दिया है कानूनी संभावनाएं तलाशने के लिए और सारे कानूनी उपचार करने के लिए। उन्होंने चुनाव आयोग को भी लिख के भेज दिया है कि पार्टी शरद पवार की है, वो अध्यक्ष हैं और सारे जो है ये पदाधिकारी हमारे साथ हैं, अगर विधायक के रूप में कोई लिख के दे तो बिना हमको सुने कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी सिंधे वाले मामले में पार्टी विधायकों के आधार पर सिंधे को असली पार्टी बना दिया है। दूसरा, उन्होंने जो है वो आपके नार्वेकर साहब जो वहां के जो है आपके वो हैं स्पीकर, उनको भी जो है ईमेल से भेज दिया है। हालांकि नार्वेकर साहब कहीं कहते हुए सुनाई पड़े कि अभी हमको चिट्ठी नहीं मिली है, वो फिजिकल चिट्ठी भी देने वाले हैं। इसके अलावा और कानूनी संभावनाएं भी तलाश रहे कि क्या दल बदल कानून के तहत अगर कोई पार्टी विभाजित होती है तो जो टूट के निकलता है उसको अलग पार्टी बनाना चाहिए, ये वो मतलब किसी पार्टी में विलय करना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए, अगर उसके निर्धारित 2/3 संख्या नहीं है फिर से चुन के आना चाहिए।
अब ये सब दल बदल में है, लेकिन अब एक प्रकार से फिर स्पीकर और राज्यपाल के पाले में गेंद चली गई है। अब सवाल इस बात का है कि राज्यपाल उन्हीं का है, अब इसके पहले जो राज्यपाल थे उनकी भूमिका पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पिछले दिनों सुना। अभी जो है आपके जो पंजाब के मामले में जो वहां के गवर्नर जो सरकार से जो छने हुए थे उसको उन्होंने कहा कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं। नाबाम राबिया का कल हमने बताया ही था आपको, आपके जो है दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में भी बताया था कि भाई जो है आप उसके सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं और आप जो है इस तरह निर्णय ले सकते हो, तमाम चीजें बंदिशें हैं। अब फिर से एक बार कानूनी रूप से मामला उनके पाले में चला गया है कि अब जो है ये आपके क्या कहते हैं कितने दिन में फैसला लेंगे। कल संजीव भाई ने बहुत सही कहा था कि अगर मान लीजिए कि दल बदल का मामला गया अभी तो राज्यपाल वो पहले जो है आपका वो उसका परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद उनको नोटिस जारी करेंगे और तब तक टाइम है कितने लोग उनके यहाँ और टूट करके आ जाते हैं उनको पूरा 36 इकट्ठा करने का मौका दिया जाएगा। फिर मैंने कहीं आज पढ़ा ब्लैक एंड व्हाइट में कि 75,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है जो है क्या कहते हैं मतलब नकदी में जो तमाम उसमें जो है बांटा गया है दल बदल के लिए। थैली साहों की थैली खुल गई है, थैली साहों की थैली खुली है या जो है वो क्या कहते हैं पार्टी का फंड खुला है, अब ये तो सब सोच का विषय है जो हमेशा पर्दे के पीछे रह जाता है, केवल कहने सुनने के लिए जो है बातें सामने आती है। तो थैली साह अलग हो गया, थैली साह में ही अडानी का भी नाम आ रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सारे थैली साह उधर ही है, ज्यादातर उधर ही है, तो अडानी का ही एक नाम क्यों ले, अंबानी भी तो है। दूसरी बात और भी लोग तो हैं जिनको सरकार किसी न किसी रूप में लाभान्वित कर रही है, फिर और भी तो लोग हैं जो पैसा ले लेके बाहर भाग गए हैं, फिर जो है वो इलेक्टोरल बांड का फंड है अनअकाउंटेड, तो ये सारे फंड भी हैं। इसलिए अभी एक मामला फिर कानूनी मतलब उसके में चला गया। शरद पवार ने देर नहीं कि उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा में न केवल बड़ी रैली की, उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे और घूमने के अलावा वो जो है नए सिरे से अपनी पार्टी को खड़ा किए, उन्होंने कहा जैसे मैंने पहले खड़ा किया था मैं फिर खड़ा करूंगा। अब ये डकैती मार के कोई चला जाए तो मैं अच्छा, और फिर शरद पवार के लिए ये मजबूरी हो गई थी क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बातें आई थी उससे ये बात शरद पवार पर भी ये दबाव बढ़ गया था कि आप बिल्कुल स्पष्ट होइए कि आप इधर हैं कि आप उधर हैं, अगर आप उधर हैं तो कोई बात नहीं आप जाइए और अगर आप इधर हैं तो फिर खुल के आइए, फिर ये नहीं कि हम इधर हैं कि उधर हैं। दूसरी बात, सुप्रिया सूले की ताशपोशी तब तक निष्कंटक नहीं हो सकती थी जब तक अजीत पवार उनकी पार्टी में रहते, वो चाहे लाख जो है भाई कहें या जो भी कहें, मैं बड़ा प्रेम से रहूंगी मैं राखी बांधूंगी वगैरह वगैरह का जो सेंटिमेंटल वो बात कह रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अजीत पवार सुप्रिया सूले की लीडरशिप फिलहाल उनका स्वभाव देखते हुए हम लोग तो यही मानते थे कि वो स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं स्वीकार, उन्होंने उसको तोड़ दिया और बाकी जो लोग गए वो अपने सुविधा के अनुसार गए, रकम के लिए गए, अपने ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको हटवाने के लिए गए और जो है वो गंगा जी में जो राजनीतिक गंगा है भाजपा की उसमें डोरे डुबकी मार के पवित्र होने के लिए गए। जी संजीव जी, ये 75,000 करोड़ और दूसरी बात यह है कि पिछली बार जब बने थे अजीत पवार डिप्टी सीएम तो 80 घंटा में वापसी हो गई थी, तो उस समय ये लोग कयास लगा रहे थे कि वो शरद पवार जी ने ही कुछ खेल किया है, लेकिन इस बार तो मामला सीरियस लग रहा है कि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पवार साहब ने पोजिशनिंग की है महाराष्ट्र के सतारा में, और अजीत पवार भी जो है इस बार उनका स्टेटमेंट भी बहुत ही दूसरे तरह का है कि पार्टी पे दावा करेंगे। जी देखिए दो बातें हैं, एक तो अजीत पवार साहब जब 2019 में गए थे तो उसी दौरान इमीडिएट जैसे ही गए तो जो उनके जो केस वेस जो खुले हुए थे उनके खिलाफ, जो देवेंद्र फडणवीस पीछे चूंकि मुख्यमंत्री थे 5 साल तक वो थे, तो उस दौरान जो उनके खिलाफ जो भी जांच वांच की शुरुआत हुई थी वो फिर एकाएक उन्होंने बंद करने का फैसला लिया था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो स्टेट का था उसने बाद में जाके हाई कोर्ट तक बोल दिया कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और क्लीन चिट लेके अजीत पवार निकल गए थे, उसके बाद तो इनकी सरकार ही बन गई, अजीत पवार पलटी मार के इधर आ गए, उधर फिर इनकी कुछ दिन सरकार चली। इसी बीच क्या हुआ कि जब अजीत पवार ने एसीबी से क्लीन चिट ली तो उसी मामले में जब ईडी ने कोई जांच करने की शुरू करी तो कोर्ट से फिर उनको अनुमति नहीं मिली कि इस मामले में ऑलरेडी एसीबी का क्लीन चिट है।
लेकिन इसी बीच परिस्थितियां फिर बदली कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार आई तो वही एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोबारा लिख के दिया कि हम दोबारा इसमें जांच करना चाहते हैं। जो पहले वो क्लीन चिट देने को तैयार थे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और जो तमाम पुलिस की एजेंसियां थी वो अजीत पवार की फाइलें खोल के बैठी हुई थी और इसी बीच ईडी भी सक्रिय हो गई थी। तो निश्चित रूप से अजीत पवार साहब के खिलाफ एक दबाव तो था ही कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है और ये क्या कहा जाता है प्लस जो ये राज्य के जो जांच एजेंसियां हैं वो भी पीछे लगी हुई थी। तो ये ठीक है कि पारिवारिक झगड़ा भी एक मामला है कि एनसीपी का रियल उत्तराधिकारी कौन होगा, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में प्रॉब्लम है। कल भी हम लोगों ने बात करी थी इस लेवल पे जंग है कि पार्टियां टूट भी जाती है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला साहब को जब आया कि उत्तराधिकारी कौन होगा, उन्होंने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया तो बड़े बेटे जो अजय चौटाला हैं और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने बगावत करके जननायक जनता पार्टी बना ली। तो अब ये तो सगे भाइयों की जब इतनी जंग हो गई, खुद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने तीन भाइयों को मतलब की राजनीतिक रूप से शहीद करके राजनीतिक शहादत दे के उनकी अपनी सत्ता पोषी ली थी, घर में काफी जंग हुआ था। तो ये तो चचेरे भाई बहन हैं, सगे भाई बहन भी नहीं है, शरद पवार साहब के भतीजे हैं अजीत पवार, उनके बेटे तो हैं नहीं। तो ये फैमिली में जंग तो है ही जो रीजनल पार्टियों में रेगुलर तो नजर आ रहा है परिवार में। लेकिन सवाल ये है कि शरद पवार को लेकर ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे थे ना कि शरद पवार 1990 के बाद से ही इस तरह की राजनीति बेसिकली करते रहे हैं। दूसरा, शरद पवार साहब के पास में पर भी बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं कई तरह के, कॉरपोरेट रिलेशंस को लेकर, माफियाओं से रिलेशंस को लेकर, कभी कभी दबे जबान से लोग अब ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनके दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के भी प्रोटेक्ट करते रहे वो किसी टाइम में। तो इस तरह की जब बातें राजनीति उठने लगे तो फिर क्वेश्चन उठना लाजमी होता है कि क्या उनकी भी सहमति थी। और पिछले दिनों जब अदानी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई अदानी जैसे बंदे को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब सारे राजनीतिक दल अदानी को, सारे विपक्षी दल अदानी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अदानी विपक्षी दल के एक इम्पोर्टेंट नेता से क्लीन चिट लेकर निकल रहे थे, क्वेश्चन उठना लाजमी है। और अगर अदानी जैसों की भूमिका सीधे तौर पे अब सरकारों को बनाने और गिराने में अगर होने लगी है तो ये एक बड़े खतरनाक संकेत है, क्योंकि ये तो फिर क्या होगा कि ये तो रशिया जैसा हो जाएगा। जैसे अभी रशिया में आपने देखा कि एक ओलीगर्क जो था, पुतिन का खासा नजदीकी ओलीगर्क था प्रिगोजिन, जो अपनी प्राइवेट आर्मी बना के अफ्रीका से लेके यूक्रेन तक, सीरिया से लेके और वेस्ट एशिया के कई देशों में अपना प्राइवेट मर्सनरीज भेज के लड़ाइयां लड़ रहा था और पुतिन का सहयोगी, खास सहयोगी था पुतिन के, कहते हैं कि पैसे भी उसने कई जगह लगा रखे थे। वो बंदा अपने ही खिलाफ रिवोल्ट कर गया, अपने ही पुतिन के खिलाफ मोर्चेबंदी कर गया था, पीछे फौज तक उसने कूच करवा दी, अपने मर्सनरीज जो थी रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ भी मोर्चेबंदी कर दी। तो इस ढंग के कोई कारपोरेट जो अगर इस ढंग से दखलंदाजी राजनीति में अगर करने लगे और राजनेताओं को अपने इशारे पे नचाने लगे, सरकार बनाने में और गिराने में भूमिका निभाने लगे, तो ये तो भारतीय, भारत के लोकतंत्र के लिए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, जो दुनिया के जो हम लोग मानते हैं उसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। ये तो कभी भी किसी भी सरकार को गिरा देगा। दिल्ली में कल को ये इस तरह का खेल कर सकता है, पार्लियामेंटेरियनों को खरीद सकता है, बेच सकता है और भी कहीं उनके खिलाफ उनके ब्लैकमेलिंग कर सकता है। इस तरह के जो कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग भी करते हैं पार्लियामेंटेरियन को, कई तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं ये। तो ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक संकेत है अगर अदानी इस ढंग से इंटरफेयर कर रहा है। पीछे बताते हैं उड़ीसा में भी नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के बीच वो मध्यस्थ बने हुए हैं, ममता बनर्जी से भी पीछे काफी मिल के आए थे। हालांकि अभी फिलहाल ममता बनर्जी ने मतलब कि कुछ इस तरह के संकेत नहीं दिए कि राजनीतिक रूप से वो अदानी से कोई सलाह लेते हैं या अदानी उनके कोई ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया जिससे कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मध्यस्थता अदानी ने की हो। लेकिन ममता बनर्जी उनकी नजदीकी भी सवालों को कई सवाल खड़े कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि ये बड़े खतरनाक संकेत है कि अगर अदानी की बात आ रही है और अदानी जैसे लोगों की भूमिका है, बेशक शरद पवार का कोई सहयोग ना हो, लेकिन अगर अदानी ने एनसीपी के विधायकों को तोड़ने में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो ये बड़े खतरनाक संकेत हैं कि कई राज्यों में इस तरह से पैसे का फेंक करके और ये विधायकों को, और चूंकि विधायक भी आजकल कोई बहुत आइडियल तो हो नहीं रहे हैं, ना कोई विधायक आइडियोलॉजिकल कोई कमिटमेंट होता है, माफिया, रेत माफिया, बालू माफिया, और पता चला कि कोई ड्रग माफिया, लीकर माफिया, इस तरह के माफिया जिसके पास चार पैसा आ जाता है माफिया के पास, वही चुनाव लड़ने को सोचता है, वही टिकट ले आता है, वही विधानसभा में चला जाता है। राजनीतिक समझ होती नहीं, आइडियोलॉजिकल कोई उसका कमिटमेंट होता नहीं, और जहां से उसको और चार पैसे मिलते देखते हैं, जहां से कोई बड़ी थैली करोड़ों में, अब तो लाखों में थैली भी नहीं मिलती, 40-50 करोड़ से नीचे का कोई डील नहीं होता, वो मिलता है वो पलटी मार जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है भारत की राजनीति के लिए, जो महाराष्ट्र का जो कल घटनाक्रम हुआ।
जेपी सर, जी आजादी के पहले गांधी के पीछे बिरला चला करते थे, और ये समय था कि चाहे इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जितने कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट से टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेकर जाते थे, और मनमोहन सिंह के समय तक हमने देखा है कि बड़े बड़े पूंजीपति जो है टाइम लेकर ऑफिस के बाहर बैठते थे। आजकल पूंजीपति लोग बड़े बड़े नेताओं के गले में गला डाल के हंसते दिखते हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश जाते कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भारत की लोकशाही किस दिशा में? देखिए सर, गांधी जी बिरला जी के यहाँ भले रहते हो, लेकिन गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का फार्मूला दिया है जी। गांधी जी का कहना था कि अगर सार्वजनिक के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक ट्रस्टी की भूमिका निभाता है, वो अपना पैसा जो है वो क्या कहते हैं आपके स्विस बैंकों में नहीं जमा करता, वो पनामा पेपर्स में पैसा नहीं जमा करता, क्योंकि वो तो पैसा जाके जब वहां जमा हो गया तो आपकी इकोनॉमी में से बाहर हो गया, तो गांधी जी वाला ट्रस्टीशिप वाला मामला नहीं है। दूसरी बात, एक बात आपको याद दिला दें कि जिस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो बकायदे इंदर मल्होत्रा ने किताब लिखी थी, इंदर मल्होत्रा या इस तरह संभवतः किसी ने किताब लिखी थी बीपी सिंह पर कि बीपी सिंह जब से प्रधानमंत्री बन गए तब से पीएमओ में दूर दूर तक कोई कारपोरेट दिखाई नहीं पड़ता, और जब बीपी सिंह हटे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो सारे कारपोरेट का जमावड़ा हो गया था जो है पीएमओ में, आप बता रहे हैं। वो किताब पूरे मार्केट से पूरे पब्लिकेशन के सहित गायब हो गई थी, आप बता रहे हैं ना, वो गायब हो गई है, वो किताब बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री सब कारपोरेट के ही मतलब डिजाइन पे चलते हो, है ना, कारपोरेट के जब आर्थिक उदारी कर रहे हैं तो कारपोरेट पे चलना ही पड़ेगा। लेकिन जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे तो कोई कारपोरेट पीएमओ में जाने की हिम्मत नहीं करता था, आपको बता दें, उन्होंने इतनी अपनी जो है वो कठोर इमेज इस मामले में बना रखी। तो ऐसा नहीं है, सब तरह के लोग सब तरह सब समय पे हुए हैं, अपवाद स्वरूप लोग भी हुए हैं बीपी सिंह जैसे, और चंद्रशेखर जी भी जैसे हुए हैं कि चाहे वो जितने सर्वहारा के नेता बनते हो हमारे बलिया के रहने वाले, लेकिन वो कारपोरेट की गोद में बैठ के खेलते थे। आप चंद्रशेखर जी वो जो है आपके रोज ताश खेलने जाते थे, वो नरसिम्हा राव आपके चंद्रा स्वामी के यहाँ वो आसन पर बैठे रहते थे, ये लोग जमीन में बैठ के, ये सुब्रमण्यम स्वामी आपके हमारे पत्रिका के मालिक तुषार कार्तिक घोष, ये लोग बैठ के कोर्ट पीस खेलते थे आप। तो जी जी ये सब हकीकत है, मैं बता रहा हूँ आपसे। ये लोग पता नहीं क्यों आदर आदर की वजह से या अपनी एक इमेज उन्होंने लार्जर ने लाइफ बना रखी उसकी वजह से कहते नहीं है, आपसे बता रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो अपनी जगह पर कायम। एनीवे, तो सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि ये शरद पवार है जो कोई भी चीज भूलते नहीं है, और अगर इनका कहीं भी माइनस में भी अपमान हुआ होता तो उसका बदला जरूर लेते हैं। ये बसंत राव पाटिल के जो बसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल में थे, और इन्होंने बसंत दादा पाटिल से विद्रोह करके बसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी महाराष्ट्र में, ये जो लोग भी महाराष्ट्र की राजनीति जानते हैं वो वहां ये सर्वविदित है। अब उसमें इनकी कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इनका जिस तरह अपमान हो रहा था तो उसमें इन्होंने भी उस अपमान का बदला ले लिया। सवाल इस बात का है कि ये कोई चीज भूलते नहीं है और ये बाउंस बैक करते हैं, अभी तक हमेशा से इनका रिकॉर्ड रहा है बाउंस बैक करने का, और इनके ऊपर दाऊद से लेके तमाम सब आरोप लगे हैं, इसके बावजूद भी राजनीति में वहां सलाका पुरुष जो है महाराष्ट्र में बने हुए हैं, और जो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी उसमें कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, और इन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए एक प्रकार से विवश किया था, नहीं तो उद्धव ठाकरे तो अजीत पवार के भी नाम पर सहमत थे, और ये भी सहमत थे कि हम किसी को नॉमिनेट कर देते हैं उनका कि नहीं आगे बढ़ के लीड करना हो तब ये महाविकास अधिकारी की सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इतने अपने पॉलिटिकल कन्विक्शंस में ये स्ट्रिक्ट हैं जो है शरद पवार जिनका नाम है, इनके इनकी आप बुराई कर सकते हैं, अच्छाई बखान कर सकते हैं, आप इनके विरोधी हो सकते हैं, आपके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जो इनका गुण कहिए दुर्गुण कहिए जो भी वो सबके सामने है और सर्वविदित है। जैसे अभी मान लीजिए संदेह का वातावरण शरद पवार होने के नाते बना हुआ है कि इधर है कि उधर है, लेकिन जिस तरह कानूनी कार्रवाई से सारी चीजें शुरू हुई हैं और कई लोग जो कई विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए और कल वहां शपथ ग्रहण में शामिल थे वो सब जाकर के शरद पवार से मिल चुके हैं, उनके लिए उन्होंने 5 तारीख की डेट रखी है कि आप 5 तारीख यही जुलाई में, मैंने
कि 5% आप क्लियर कीजिए कि आप हमारे साथ है कि आप उधर है, आप उधर जाना हो तो जाइए, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आके इससे मिल चुके हैं जयंत पाटिल साहब ने, ये बताया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो इन्होंने तुरंत मुख्य सचेतक ही जो है व्हिप जारी करता है, तुरंत मुख्य सचेतक इन्होंने अहवाण साहब को, मुख्य सचेतक जितेंद्र अहवाण को जो है कल नियुक्त कर दिया, और नियुक्त करने के बाद वो गए जाकर के खुद जो है उन्होंने नार्वेकर के यहाँ 9 एनसीपी विधायकों की योग्यता घोषित करने के लिए याचिका जो है मतलब दे दी। जयंत पाटिल ने भी नार्वेकर उनसे संबंध किया, नार्वेकर साहब ने विधानसभा अध्यक्ष भाई इसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। तो जितना स्विफ्टली शरद पवार ने कार्रवाई की, इतने में तो और राजनीतिक दल सोचते रह जाते हैं। और बाकी उनके पास वकीलों के भी अच्छी खासी फौज है, उनको अजीत पवार के जाने से ज्यादा जो है धक्का मेरे हिसाब से प्रफुल्ल पटेल के कारण लगा, क्योंकि यूपीए सरकार में इन्होंने प्रफुल्ल पटेल को एविएशन मिनिस्ट्री दिलवाई थी और प्रफुल्ल पटेल ने बेईमानी के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। और यूपीओ को जिस तरह जो है दक्षिण भारत की पार्टियों के कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा जो है मतलब क्या कहते हैं उसकी गिरने में बड़ी भूमिका निभाई थी अपने आचरण से, उसमें प्रफुल्ल पटेल भी थे एनसीपी के, आपसे बता रहे, जिनके ऊपर अभी तक वो एविएशन घोटाले का जो है सब मामला चल रहा है। अब प्रफुल्ल पटेल लाइन में लगे हैं किसी प्रकार केंद्र में मंत्री बन जाए ताकि उनके ऊपर से भी सारा जो है जो बादल उनके ऊपर जो वो है संकट के वो सब छंट जाए, वो उसी तरह जो है राजनीतिक गंगा में बीजेपी के नहा के पवित्र होके निकल आए भाई एक नाला और से। जी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार इनके पास 36 विधायक होने चाहिए टूटने के लिए, और टूटने के बाद इनको जो है नए पार्टी किसी पार्टी में विलय करना चाहिए। तो विलय की जगह ये कह रहे हैं कि हम ही असली हैं, वो नकली हो गए, जिनके पास पूरा संगठन है वो नकली हो गए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास 40 विधायक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये 9 छोड़ के 44 विधायक है, वो जयंत पाटिल दावा कर रहे हैं, ये 40 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास 44 विधायक है। तो अभी ये अभी नार्वेकर से लेकर सब लोगों का यही कहना कि भाई अभी हम लोगों को मालूम नहीं है कि मतलब किसके साथ कितने विधायक हैं, वो किसी विधायक ने ये लिख के नहीं दिया कि हम जो है वो क्या कहते हैं 9 के अलावा कि हम इनके साथ हैं अजीत पवार के साथ, ना यही लिख के दिया है कि हम शरद पवार के साथ हैं, लेकिन इनको भी लिख के नहीं दिया। तो ये अभी सब मामला सस्पेंस में है, हर आदमी फेंस में बैठ के हवा का रुख देख रहा है कि हवा का रुख क्या होगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रजिस्टर किए हैं, बड़ी पीठ को भेजा है मामला, तो ये कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं है ये भी बात राजनीतिक फिजा में है कि शिंदे की सरकार जा सकती है, क्योंकि इनके 17 विधायक पहले अयोग्य होंगे और 17 के बाद जो और बचेंगे वो फिर उसके अनुसार वो भी अयोग्य हो सकते हैं। इसलिए शिंदे को हटा करके अभी अजीत पवार और फडणवीस की मिली जुली सरकार बनेगी, अगर उनके साथ 40 विधायक चले गए तो, नहीं गए तो फिर तो अभी मामला सब बड़ा सस्पेंस में है। अभी वहां बहुत फ्लूइड पोजीशन है, कुछ कह नहीं सकते आपको। अब शरद पवार का कहना है कि हम 3 दिन में सब हेस नेस करके सब साफ कर देंगे कौन किधर है कौन किधर नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। संजीव जी, अगर मान लीजिए कि शरद पवार के साथ 40 विधायक हैं और 10-12 उधर चले गए, तो बड़ा फजीहत नहीं होगा प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार का? क्या ऑप्शन होगा उस समय? नहीं फजीहत तो डेफिनेटली हो गए। देखिए अगर अगर उन परिस्थितियों में अगर इतने विधायक रह जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब क्लियर कट ये साबित हो जाएगा कि इसमें अदानी की भूमिका फिलहाल नहीं है, और निश्चित रूप से अजीत पवार जो है ईडी और एसीबी के प्रेशर में गए हैं, क्योंकि ये वस्तु स्थिति की जानकारी फिर अजीत पवार को भी रही होगी। तो ये 2-4 दिन में जो जेपी सिंह जी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ कितना दम है। अगर लार्ज स्केल पे विधायक शरद पवार से टूट रहे हैं तब तो मान के चलिए एक कॉरपोरेट का एक बहुत बड़ा खेल वहाँ हुआ है और काफी पैसे फेंके गए हैं, लेकिन अगर विधायक अगर शरद पवार के साथ ही रह जाते हैं और इनकी संख्या 8-10 के बीच रह जाती है तब तो मान के चलिए कि फिर तो ईडी सरकार है महाराष्ट्र में, वो एनडीए सरकार नहीं है ईडी सरकार है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सरकार है उन्होंने बनवा दी है। और देखिए कि अभी बात हो रही थी कॉरपोरेट की, जब बात हो रही थी बीपी सिंह की बात हो रही थी बिरला की बात हो रही थी, तो एक बड़ा अच्छा नाम मुझे आता है वो भी गुजरात से ही थे, क्योंकि गुजरात के कॉरपोरेट को आजकल बहुत ही शक के निगाह से देखा जाता है और पूरे देश भर में कहा जाता है कि इन्होंने तो बड़ा गुजरात के लोगों ने तो वो कर दिया बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के साथ ही एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे गुजरात के अंबालाल साराभाई,
और उनकी बहन अनसुईया बहन थी और अंबालाल के ही बेटे थे विक्रम सारा भाई। तो उस जमाने में जो कॉरपोरेट थे, जो महात्मा गांधी के साथ थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, और अंबालाल सारा भाई भी जैन ही थे, जैसे आज गौतम अदानी जैन है, अमित शाह जैन है, वैसे ही अंबालाल भी जैन थे। लेकिन जो उनके पूरा का पूरा जो कॉरपोरेट का जो उनका जो पूरा जो वर्किंग जो कल्चर मैंने देखा जो था, तो उससे लगा कि वो ऐसे कॉरपोरेट भी थे जो प्रो वर्कर थे, वर्कर के इंटरेस्ट भी वाच करते थे, कंट्री का भी इंटरेस्ट वाच करते थे। अनसुईया बहन की बहन तो गांधी जी के साथ ही, आपको याद होगा जो वर्कर्स स्ट्राइक अहमदाबाद में हुआ था, तो उनकी सगी बहन थी, वो गांधी जी के साथ धरना पे बैठ गई थी अनसुईया बहन। तो कॉरपोरेट कल्चर में 1990 के बाद बदलाव आया, और 1990 के बाद बदलाव में आने के, देखिए कॉरपोरेट पहले भी पॉलिटिक्स करते थे, बिड़ला भी थे, के बिड़ला थे, तो के बिड़ला के जितने फैमिली के लोग अभी दिख रहे हैं, चाहे वो शोभना ब्रतिया हो, चाहे आदित्य बिड़ला भी शायद उन्हीं की फैमिली से हैं, तो ये चंदा देने तक अपने आप को सीमित रखे हुए हैं। ये मतलब कि कहीं इनकी ये भूमिका नजर नहीं आती कि सरकार गिरा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। देखिए इंडिया में जो कॉरपोरेट में जो सबसे बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने भारतीय राजनीति का जो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने वालों में थे, वो धीरू भाई अंबानी थे, जो सरकार गिराने और बनवाने की सबसे पहले अनूठा उदाहरण इस देश में लेके आए, और उसी के कारण उनको लकवा भी मार गया, कुछ ज्यादा राजनीति कर रहे थे, बीपी सिंह ने ऐसा उनकी गर्दन मरोड़ने की एक बार सिर्फ इशारा ही किया कि वो, उनको पता चला कि दिल्ली से टीम चल रही है उनकी गर्दन मरोड़ने, तो खबर सुनते ही उनको लकवा मार गया था धीरू भाई को। तो ऐसे धीरू भाई अंबानी ने जो एक परंपरा शुरू करी इस देश के अंदर कि भारतीय राजनीति में कौन कहाँ बैठेगा, कौन सी पार्टी को क्या करना है, ये जो कल्चर शुरू किया उसको अब गौतम अदानी और उनके बेटे धीरू भाई के बेटे मुकेश अंबानी बहुत सक्रियता से बढ़ा रहे हैं। कॉरपोरेट तो टाटा भी है, लेकिन टाटा का हम लोग ऐसा थोड़ी सुनते हैं कि सरकार गिरा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। ठीक है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, उसके लिए लॉबिंग करते हैं, उसके लिए बकायदा वो चंदा देते हैं, लेकिन सरकार कहाँ किसकी बनेगी, कौन से विधायक को तोड़ने के लिए कितना पैसा देना है, इसमें ना टाटा के इन्वॉल्वमेंट कहीं सामने कहीं जल्दी ज्यादा नजर आता है। ये हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे देते हैं, अब उसका वो जहां बेजा इस्तेमाल करें, भारतीय जनता पार्टी वाले करें चाहे कांग्रेस वाले करें, उसी ढंग से आपको और भी तमाम कॉरपोरेट, महिंद्रा भी है, इस तरह के बड़े कॉरपोरेट घराने मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा ये दो कॉरपोरेट घराने जिसका अक्सर कांग्रेस नाम लेती है, अडानी और अंबानी, दो जो है अडानी अंबानी, ये दोनों ने भारतीय राजनीति का सबसे विद्रूप रूप को अब सामने इन्होंने रखा है, और ये बड़ा देश के लिए अहितकर है। अब एक थोड़ा सा बात शुरू में जब आई थी वो थी, आई थी गवर्नर की भूमिका पे, जो पहले भगत सिंह कोश्यारी थे और अब वहां पे रमेश बैस साहब हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी तो इनफैक्ट थे, बिलोंग करते थे उत्तराखंड से, रमेश बैस बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन रमेश बैस से भी बहुत ज्यादा हमें उम्मीद रखने की उम्मीद नहीं है कि बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेंगे या वो एनसीपी के और शरद पवार की सुन लेंगे, क्योंकि ये वही रमेश बैस साहब हैं जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल रहते हुए जो भूमिका उन्होंने दिखाई थी, आपको याद होगा जो क्या कहा जाता है हेमंत सोरेन के सदस्यता को लेकर, जो इलेक्शन कमीशन की जो एक रिपोर्ट आई और लिफाफा जो आया, वो लिफाफा उनके टेबल पे सील ही रह गया है, आज तक नहीं खुला, और उन्होंने ये बोल दिया कि हमने दोबारा राय मांगी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे से तो कोई राय ही नहीं मांगी गई है। तो ये वो गवर्नर है, ये उनका नाम भी उन्हीं गवर्नरों में शामिल है जिन्होंने गवर्नर पद की जो जो एक जो गरिमा है उसको तोड़ा है, उनको कमजोर किया है। जी जेपी सर, फाइनल कमेंट कि अगर वाकई ये इक्वेशन से कितना दिन चलेगा, कौन किधर भागेगा, इसका सर, बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, दो तीन दिन कम से कम वेट कीजिए, क्योंकि वहां का घटनाक्रम बहुत फ्लूइड पोजीशन है, और फ्लूइड पोजीशन इसलिए भी हो गई है कि जिन 40 लोगों का नाम का दावा किया है इन्होंने, उनकी परेड भी करानी चाहिए थी, लेकिन परेड इन्होंने एक विधायक की नहीं कराई अजीत पवार ने, और वो शरद पवार खेमा कह रहा है कि उनके पास 44 का समर्थन है, जो दो तीन लोग गलती से राजभवन चले गए थे उन्होंने भी जाकर वहां हाजिरी दे के कहा कि हम आपके साथ हैं। तो सवाल इस बात का है कि इसके अलावा जिस तरह सिंधे के बारे में लगातार बात हो रही है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाले हैं, इनके विधायक अयोग्य होने वाले हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एनसीपी के विधायकों में ये सेहरन तो जरूर होगी कि हम अगर अजीत पवार के साथ गए तो कहीं हम जो है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक नुकसान में ना पहुंच जाए, क्योंकि पहले तो ये संदेह की स्थिति थी कि जो है वो शरद पवार भी अजीत पवार के साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, क्यों, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें कहा जाता है कि सुप्रिया सूले जो है, जो इन्होंने अपने यहाँ बुलाया था, उसमें सुप्रिया सूले उपस्थित थी।
हालांकि सुप्रिया सूले ने बाद में ये सफाई दी कि वो मनाने गई थी भाई को, लेकिन वो भाई नहीं माने तो फिर चली आई। दूसरी बात ये भी बात उठ रही कि राजभवन में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो भी सुप्रिया सूले उपस्थित थी। अब इसके पक्ष में भी और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा रहे हैं। पक्ष में ये तर्क दिए जा रहे हैं कि सुप्रिया सूले पहले शरद पवार का मन कुछ और था, बाद में बदल गया। और दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि सुप्रिया सूले इसलिए वहां गई थी कि देखें कौन कौन वास्तव में शरद पवार को डिफाई करके मंत्री बनता है, तो बाकी लोग सुप्रिया को सूले को देखते ही वहां से खिसक लिए दहीने बाएं, या उन्होंने ये प्रदर्शित नहीं किया कि वो जो है उनके साथ हैं। वो भेड़िया आया वाला मामला हो गया सर। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि फ्लूड पोजीशन है, इसमें 3-4 दिन अभी लगेगा पूरी पिक्चर क्लियर होने में जी। इसलिए अभी हम लोग बहुत जल्दी बाजी पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी तक न सूची आई है न कोई विधायक खुल के आया है कि हम अजीत पवार के साथ। नहीं, इसमें एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ कि इस संख्या के खेल में मान लीजिए कि शरद पवार जीत जाते हैं और अजीत पवार हार जाते हैं, तो क्या शरद पवार अजीत पवार को फिर अपने खेमे में लेंगे कि ये राजनीतिक लड़ाई पर्सनल लड़ाई में भी तब्दील हो? नहीं, अभी तो उन्होंने 2 दिन का समय 5 तारीख तक दे रखा है कि जो वापस आना चाहे आ सकता है। अच्छा, तो इसलिए तो आज 3 तारीख है, 5 तारीख में भी 2 दिन बाद है। अगर उनको लगेगा कि सब जनता उनके साथ है, क्योंकि जब सवाल लोगों ने शरद पवार से पूछा कि अब आप किस पर विश्वास करेंगे, आपकी पार्टी में कौन है, तो उन्होंने कहा शरद पवार है, अकेले काफी है। क्या बात है जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 5 तारीख को जब मीटिंग होगी, 5 तारीख को फिर हमारी नजरों की इस पर चर्चा होगी। तब तक कल मिलता हूँ किसी और खास मुद्दों पर। शुक्रिया आप सबका, और दोस्तों आप देखते रहिए अम्बेडकर नमस्ते, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर।